ये अपनी बिल्लो खड़ी है, लिटिल मेरे को लेने आया है और यहाँ पे आ गए तो थोड़े बहुत भाई लोग मिल जाते हैं, अपने अपने ही भाई लोग हैं। व्हाट्स अप ब्रो? व्हाट्स अप? ये भाई आए तो अभी अपन कहाँ जाने वाले भाई? हम जाएंगे कुछ अलग करेंगे, कुछ हमें अलग करना पसंद है, लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग ने। ब्लॉग तो स्टार्ट कर, ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया अपना। इंट्रो इतना ट्रैवल करने के बाद हम लोग को एक शॉप मिली है, मतलब यहाँ पर खाने के लिए कुछ कॉज दूर होटल बंद है। हमें हर जगह ट्राई कर लिया होटल के अंदर, हमें कोई भी होटल मिली नहीं। कॉज उन लोग का ये बोलना है कि हम लोग बैठ के नहीं देंगे खाना, कॉज आप लोग बाहर साइड खा सकते हो। सो हमें ये शॉप मिली है यहाँ पर, जो कि जहाँ पर हमें कुछ काम नहीं, उसके एग्जैक्ट सामने ये शॉप है। सो हम यहाँ कुछ खाएंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। हमारा काम क्या है क्या नहीं, ये आपको टाइटल देखने मालूम पड़ ही गया होगा, सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले कुछ खाएंगे, कॉज बहुत ही भूख लगी, कॉज मैं सेंटा क्रूज से मलाड आया हूँ बिना कुछ खाए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो ही, और मैंने ये शर्ट इसलिए पहना हूँ कॉज इतनी गर्मी हो रही थी दूर, मतलब मैं घर से बांध कर तो मेरे हाथ पूरे जल देते हैं। मतलब सेंटा क्रूज में कुर्ला था, मैं काशिद भाई के पास आया और पूरे हाथ पूरे जल देते। मैंने गणेश को बोलकर एक शर्ट मंगा लिया, जो शर्ट में मुझे कुछ अलग मतलब अच्छा लग रहा है, ताकि मेरे हाथ ना जल जाए, और जब मेरे हाथ जल जाएंगे तो मैं टी शर्ट नहीं पहन पाऊंगा, कॉज यहाँ टैन हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ टैन हो। सो वही हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ खाएंगे और टाइम काम करेंगे। सो वही ओके, तो बता दीजिए मेरा खाना आ चुका है। मतलब मेरा खाना कुछ ऐसा है, देखिए मतलब डूड यहाँ पर ना पूरे होटल बंद है, और कॉज मैंने वहाँ से बाई किया हूँ ये, और मैं अंदर खा नहीं पा रहा हूँ, कॉज अंदर सोसाइटी है, और वो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो। और मैं आया हूँ सेम डड्डू के सामने, और कहता कि जहाँ मैं काम करा रहा हूँ वहीं मैं कुछ खा लेता हूँ, कॉज मेरा डर है कुछ अंदर जाना है, मुझे मेरा काम कराना है, तो मुझे घर भी जाना है, और मुझे घर पर कुछ काम भी है। तो वही हम स्टार्ट करेंगे, तो हम टाइम भी नहीं मिलेगा। तो वही कैसा है? ओके सर, बता दो कि फाइनली हमारा खाना हो चुका है, मतलब हमने कुछ खा लिया, हमारा पेट अभी डायरेक्ट हम अंदर जाएंगे, कॉज हमारा कोई वेट कर रहा है अंदर, क्योंकि सेम टैटू आर्टिस्ट जो कि बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि जल्दी आना, हमारा टाइमिंग कुछ और का था और हम आए कुछ लेट, कॉज हमें लेट करना पसंद नहीं, तो हम डायरेक्ट जाएंगे और मजे चलते हैं।
बाद मतलब भाई की इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारा पूरा टैटू मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब ये फिलीग्री जो कि भाई ने डिजाइन किया सैम भाई के बोलने पर, क्योंकि सैम भाई ने एक घंटा लेकर एक से दो घंटा लेकर अपने खुद से अपना डिज़ाइन निकाला मेरे लिए जो कि कुछ यूनिक थी, कॉज हमें यूनिक करना था, कॉज मेरी बॉडी पर अब तक 5 टैटू हो गए, छठा टैटू मेरी बॉडी पर जो कि मेरा खुद का है सैम भाई, मैंने अपने किसका किसी का कॉपी किया राइट, ये हमारा खुद का है जो कि भाई ने कस्टमाइज किया मेरे लिए, थैंक यू सो मच भाई, और इसको बनाने में जो हाथ है वो पूरा भाई का है। तो भाई मैं ये बोलूँगा कि मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई आपने ये टैटू कहाँ से बनाया, टैटू टैटू मैंने यहाँ से बनाया हूँ स्टैम्प स्टूडियो को, क्योंकि मलाड ईस्ट में इसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, इसका एड्रेस का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर, इनसे कॉन्टैक्ट करो, इनसे इनसे टैटू बनाओ, कॉज बहुत से अलग अलग टैटू आर्टिस्ट है लेकिन यहाँ जो अलग होती है जो कहीं नहीं होता, इसलिए मैं कितना भी दूर से यहाँ पर जाके टैटू मैं कराता हूँ। सो वही जी ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मुझे घर भी जाना, मुझे कुछ काम भी, ऑल राइट, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, और हाँ सब्सक्राइब करके जाओ, को 2 लाख में जल्दी होने वाले हमारे, मतलब अपने अम्मी खाला को सबको बोलो सब्सक्राइब करो यार, मतलब बटन पर दबा के जाओ, मतलब मानो कुछ भी करो बटन दबाना चाहिए, सो वही बस फैम ब्रो।